अग लगी है जगह जली ना यार जो पता लग हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके ब्लॉग्स। तो आज का सीन क्या कि अभी तो काफ़ी लेट उठे हैं, 11 राउंड हो रहे हैं, तो अभी निकलेंगे जिप्सी की तरफ। बता था रात को क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि शायद बारिश हो जाए, तो अभी जिप्सी का कुछ पता नहीं है, ठीक है प्रॉपर नहीं है, आज दिखाऊंगा जाके जिप्सी को। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ये मैं अपने गांव वाले घर था आज, सो अभी यहाँ से निकलेंगे आगे, देखते हैं जो भी सीन होगा सब बताएंगे। पहले गाड़ी का थोड़ा चेक वगैरह करवाते हैं कि वो चलने लायक है ज़्यादा देर की नहीं, क्योंकि अभी रात को अगर लेके निकल जाता तो कहीं बंद हो जाती तो फिर थोड़ा सीन बन जाता, इसलिए बाइक ही लेके आ गया मैं। बाकी पहुँचते हैं लोकेशन पर। अभी पहले इसका बम्पर फिक्स कराएंगे, इसका बम्पर का क्या हिला हुआ था बड़ा ज़्यादा, तो सुबह जब मैंने निकाली तो वो निकल ही गया प्रॉपर, तो अभी इसका बम्पर का काम करवा रहे हैं। बाकी उसके बाद जाएंगे थोड़ा इसका स्टिकर का काम करवाएंगे। अग लगी है जगह जली ना यार जो पता लगे हो ही गई पूरी, अगे ही उम्मीदें कम है। का जोड़ कर रहे हैं भाई, यहाँ से जुड़ चुकी है, अब ये नीचे से करेंगे। टायर के साथ नहीं ना लगे हैं, चाचा टायर का ना बड़ा भैया, ये देखो थोड़ा पीछा कर लो। सो अभी यहां से टायर के बड़ा पास आ गया था, इसलिए इसको थोड़ा पीछे कर रहे हैं। बाकी काम तो अभी हुआ नहीं शुरू, बाकी पहले बम्पर फिक्स करेंगे। बम्पर फिक्स होने के बाद देखते हैं, बाकी एक इसका हॉर्न वगैरह ठीक करवाया अभी, और ये लगवाया एक स्टीयरिंग का, इसमें पहले था नहीं, सॉरी स्टीयरिंग कह रहा हूँ इसका मिरर का, तो स्टीयरिंग का ये हॉर्न यहाँ से अब चलेगा, ये यहाँ से ये लाइट हो गई, यहाँ पे हॉर्न है, तो इनके अब मेन स्विच यहाँ से तो वर्किंग है नहीं। बाकी यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अपना स्पीकर और आईपैड इसमें लगा दिया, ताकि थोड़ी देर ही सही। देखो भाई कहाँ जिप्सी में इतना ख़तरनाक सेटअप। बाकी ये काम होने के बाद निकलेंगे, थोड़ा इसका स्टिकर वगैरह का पूछेंगे, और शायद पेंट का तो नहीं रैप का सोच रहा हूँ, तो रैप का देखते हैं। पहले जो वेल्डिंग कर रहे थे तो टायर के साथ टच हो रहा था, तो अब मैंने थोड़ा पीछे करवाया बम्पर, ताकि टायर के साथ टच ना हो। बाकी काम देखते हैं धीरे धीरे होगा, सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत पेंट करवा लूँ, सो साथ साथ चलता रहेगा काम भी। भाई इसको खोल देंगे, ये बड़े अजीब से लग रहे हैं दोनों साइड, इनको खोल देंगे पूरी नंगी रखेंगे जिप्सी, यहाँ यहाँ से खोल के फिर इसको रैप करवा जाएंगे आगे, या थोड़ा स्प्रे मार लेंगे, देखते हैं कैसे करना। बाकी देखो मेहनत कर रहे हैं भाई, खुल जाएगा ये वाला नट, एक साइड फाइनली खुल चुकी है, ये देखो ये निकाल के रख दिया हमने साइड पे, दूसरी साइड खोल रहे हैं, हमारे दोस्त मेहनत पे लगे हुए हैं, इसको खोल के उसके बाद ये पीछे का देखेंगे सारा। बाकी भाई ये खुलती भी है यहाँ से खोल, अब फिर थोड़ी ठीक लग रही है, बाकी जब पेंट वेंट हो जाएगी फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगी, फिर लिफ्ट किट के बाद तो और सही लगेगी, फिर टायर चेंज करेंगे इसमें, जो ऋषभ भाई की गाड़ी के पुराने टायर थे शायद वो डाल दूँ इसको मैं, वो थे 31 इंचेस डायनमो प्रो हैंडकुक के, वो टायर भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी सोच रहे हैं इसको डालें या बोलेरो को डालें, तो उन दोनों में से एक को डालेंगे, बाकी धीरे धीरे देखते हैं। बम्पर वम्पर ठीक करवा लिया था, बाकी हम आ गए थे एक लोकेशन पर, देखो लोकेशन तो ये यहाँ का माइल्ड ऑफ रोड कह सकते, वैसे माइल्ड तो है नहीं है, लोकेशन के हिसाब से तो खतरनाक है बड़ा, जहाँ से नीचे उतारी वो तो बिल्कुल ऐसे स्टीप थी, बट गाड़ी सही परफॉर्म कर रही है अभी तक तो।
बाकी तो शायद हीट हो रही है गाड़ी, इसलिए अभी थोड़ी देर रुकी है, बट अभी आपको देख करके दिखाएंगे गाड़ी परफॉर्मेंस देखेंगे। गाड़ी इधर लगा रहे हैं सर्विस के लिए, तो इसकी सर्विस तो होगी कल सुबह, तो कल सुबह आके इसका अपडेट देंगे। बाकी अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ये शीट्स बीच में देख रहे हो, ये सारा इसके पीछे पैनल में लगेंगी, और बाकी जो इसका पेंट वेंट का काम है कल सुबह शुरू होगा सर्विस के साथ।